हेलो भाई, मैं पवार। ये है क्रेटा का बेस वेरिएंट, जो कि पहले मेरा फेवरेट हुआ करता था, क्रेटा ई। ये पेट्रोल वाला है, डीजल वाला नहीं है भाई। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या नए नए फीचर्स अब इसमें डाल दिए गए हैं। डाले तो कुछ नहीं है, उल्टे घटा दिए गए हैं। सबसे पहले तो भाई मेरे को हंसी सी आ रही है, पता नहीं क्यों, यहाँ पर ये चीज़ देख कर। पहले जब क्रेटा लॉन्च करी, ये कंपनियाँ ना ऐसा करती हैं भाई, मतलब मार्च 2020 में जब लॉन्च करा, जब खुश कर दिए लोगों के भाई बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स भाई, मौज कर दिए। और अब 2021 में जहाँ इनको अपडेट करने चाहिए, वहाँ पे उल्टा घटा रहे हैं। खैर भाई, अब आपको 2021 में अगर आप बेस वेरिएंट इसका खरीदते हैं तो क्या क्या मिलेगा। अभी एक एक साल तक इस गाड़ी की जहाँ वेटिंग चल रही है, तो क्या आज भी लोग इसको खरीदेंगे जहाँ पे इसमें वो डंडी वाला सिस्टम कर दिया और ये सब लगा दिया है। एक तो ये तो अच्छी चीज़ है, चलो आज भी सेंट्रल लुकिंग हुंडई दे रही है, पर इनका कोई भरोसा नहीं है, ये भी खड़ा दे। पर कहने का मतलब ये है, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ डिलीट, कुछ ना कुछ डिलीट। पहले इन्होंने ये चीज़ डिलीट कर दी, पहले हमें सिल्वर स्किड प्लेट आया करती थी, हटाओ हमको नहीं बेचनी। उसके बाद इन्होंने वो TPMS वगैरह हटा दिया, हटाओ। कूल ग्लव बॉक्स आया करता था, हटाओ हमको देना ही नहीं। और अब जहाँ पे लोग खुश थे कि चलो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट अपना मिनर्स तो आते हैं, वो भी अब हटा दिए गए हैं। तो भाई बेशक कुछ भी कितना ही घटा लेंगे, अगर ये सेंट्रल लॉकिंग विंडो भी, पावर विंडो भी हटा दे, लोग जब भी खरीदेंगे। आपके सामने हैं ये रिबन वगैरह लगे हुए हैं, नई गाड़ी है भाई। तो खैर, और शुरुआत करते हैं भाई। ये हुंडई का लोगो, सिल्वर ग्रिल आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आज की तारीख में इस कार के लिए अवेलेबल हैं, तो आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं। आप कोई सी भी ग्रिल इसमें लगवा सकते हैं, टर्बो की हो गई या फिर ओरिजिनल हुंडई टॉप मॉडल की हो गई, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं भाई। नई गाड़ी की खुशबू ही अलग है बिल्कुल, ये हम कैसे लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं जैसे जला दूंगा, ये देख लो आप इंटीरियर कैसा है इसका। ओ भाई कितना गंदा लग रहा है, छी छी छी। ये हो गया प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स, ये इस तरीके की अब पार्किंग लाइट इसमें आएगी पूरी, ये एक यूनिट है। चेक्टर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, इनकी प्लेसमेंट यहीं पे कर दी गई है, जो कि दिखता ही नहीं है, साफ पता भी चलता है कि क्रेटा है नीचे इंडिकेटर इसमें। यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ मिल जाती है, जो कि अपने इंजन के लिए लगाई गई, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देती है और ये छिल जाती है भाई। आप जैसे खराब रास्तों पर इसको लेकर चलोगे ना, तो छिल जाती है। और हवा की नॉइज़ अगर आपको आ जाए तो भाई उसके लिए पहले से ही सॉरी, अब मौसम बहुत मस्त है तो हवा तो चलती है। यहाँ पे आपको इस तरीके की अब व्हील साइज मिलेंगे, जिनकी प्रोफाइल है 205/65R16। आज भी व्हील कैप्स के साथ ही आ रहा है स्टील रिम, अभी ये उम्मीद है कि कभी इनको भी हटा दें। पर अभी 2021 में हम जून में इस वीडियो को बना रहे हैं, तो अभी तो ये कुमो के टायर्स में अवेलेबल आ रहे हैं। तो ये इसमें आपको मिलती है 4300 mm की इसकी लेंथ। यहाँ पे जो आप सिल्वर चीज़ें देख रहे हैं, ये हर गाड़ी में हर कलर में आपको सेम ही मिलती है सिल्वर फिनिश में। अगर ये गाड़ी सिल्वर कलर की होती तो आपको ये चीज़ दिखती ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम रियर की तरफ चलें, तो ये हुंडई क्रेटा की रियर लुक, रियर से कुछ नहीं घटाया है एक चीज़ को छोड़कर। पहले यहाँ पे रियर वो आया करती थी स्किड प्लेट, अब वो चीज़ भी डिलीट कर दी गई है। इसके अलावा इस तरीके का आपको बूट स्पेस मिलता है, बाकी इसमें एक एडवांटेज आपको मिल जाता है बूट में ना, यहाँ पे पार्सल ट्रे आप ऐसी के ऐसी रखवा सकते हैं। तो ये चीज़ कंपनी से आ रही है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो इनका रिमूवल रहेगा वो यही चीज़ रहेगी। आना किया सेल्टोस से इंस्पायर होकर इस चीज़ को बैठा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको ये मिलेगी। प्लस यहाँ पे भी पहले बूट लैंप आया करता था बेस वेरिएंट में, जो कि अब यहाँ पे हटा दिया गया है। तो जनवरी में 2 फीचर हटाए थे, अपना कूल ग्लव बॉक्स का और अपना TPMS का, और स्किड प्लेट उससे पहले हटा दी थी, और अब मई में आके इन्होंने ये सारे फीचर्स भी अब हटा दिए हैं। ये आपको मिलेगा 205/65R16, वही प्रोफाइल है जो आपको बाकी ये मिलती हैं। ऊपर वाले वेरिएंट में एक साइज कम आके अलॉय व्हील जिनमें होता है उनमें स्टील रिम कर देते हैं। इसको यहाँ से उठा के बंद कर दो। हाई स्टॉप लैंप अवेलेबल है, आजकल लोग क्या करवाते हैं इसमें पूरी में ब्रेक लगवा देते हैं, जो कि मेरे को तो अच्छी लगती नहीं पर्सनली। यहाँ पे आपको पतली वाली वो मिलती है ब्रेक लाइट, अपनी इंडिकेटर यहाँ पे है, और आप ब्रेक दबाएंगे तो ये जलने लग जाती है। उसके अलावा कैमरा वगैरह कुछ नहीं आता है, क्रेटा आज भी लिख के आ रहा है जहाँ पे स्पेस दे देकर इन्होंने क्रेटा लिखा है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल जाती है, जो कि हेलोजन बल्ब आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे अपने को नॉर्मल अपना FM एंटीना मिल जाता है। एक अच्छी चीज़ इनकी ये है कि भाई स्पॉइलर लगा के दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, वो भी ब्लैक फिनिश में, मतलब 12 टोन है ये अपना, वाइट की ब्लैक। अगर ये ना हो ना तो सीरियसली क्रेटा की लुक इतनी बेकार लगेगी, बहुत ही बेकार। इस वजह से कंपनी ने ये दे ही दिया है, प्लस ये फिनिश भी सही लग रही है। अभी इसको देखो आप, पहले इंडिकेटर यहाँ पे आया करता था जो ORV में, ये तो अपना बॉडी कलर आ रहा है, ऐसा नहीं कि ब्लैक कर दिया, लेकिन वो इंडिकेटर यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। किया सेल्टोस का HTE में पहले ये चीज़ आया करती थी, लेकिन उनसे इंस्पायर होके उन दोनों ने बैठक बिठाई और उन दोनों ने ये सिलेक्ट करा कि क्रेटा के बेस वेरिएंट में भी हम ये चीज़ अब हटा देते हैं और जो अपना इंडिकेटर उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अभी चलते हैं इंटीरियर में, और ये अपने को जो डोर हैंडल्स मिलते हैं बॉडी कलर ही मिलते हैं। तो ये देख लो भाई, डोर अब आपको इस तरीके का मिलता है, इसमें एक चेंज आप जल्दी से नोटिस करो भाई क्या है।
वो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अच्छा इसकी क्वालिटी हल्की है भाई सेल्टोस से ना, डंडी भी हल्की सी ऐसे लग रहा है, ऐसे टूट जाए अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो। ये डंडी कर दी अब यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, जो आप पहले रिड्स या स्विफ्ट वगैरह में देखते थे, अब आपको इनके बेसमेंट में भी 2021 में ये चीज़ मिलती है। बाकी सब तो सेम है, चारों पार विंडो दे रहे हैं, यहाँ पे लोकल लोग दे रहे हैं। तो भाई बहुत लकी हैं वो ओनर जिन्होंने क्रेटा का ई वेरिएंट पहले खरीद लिया था, उनके यहाँ पे एक्स्ट्रा वो आ जाता है अपना स्विच करने का। आप एडजस्ट इनको आराम से कर सकते, फोल्ड नहीं कर सकते लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, इनमें आप वो कर सकते हैं। अभी ये ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अजीब चीज़ है, मतलब आप इसको तो आराम चेंज कर लेते हो लेकिन जब आप बारी आती है उसको चेंज करने की तब बहुत बड़ी दिक्कत होती है भाई, आपको जैसे हाथ करके ऐसे उजगना पड़ता है तब जाके चेंज होती है। तो ये एक सेफ्टी फीचर मुझे तो लगता है भाई हर कार में आना चाहिए, पर कोई ना भाई अभी क्या ही कर सकते हैं इनका। प्लस यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसकी की के बारे में, तो यहाँ पे इस तरीके की की आती है, इसमें फ्लिप की ही है, वही की है जो हमने पहले देखा था जहाँ पे लॉक अनलॉक और होल्ड करके आप रखते हैं तो बूट अनलॉक हो जाता है, वही वाली चाबी इसमें मिलती है, हुंडई का पीछे लोगो आता है, और इस तरीके से फिजिकल की ही अब आप इसमें लगाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, और ये आपको बीज और ब्लैक कलर का आज ही मिल रहा है, स्पीकर आपको नहीं मिलता है, बोट होल्डर आपको मिल रहा है, और जो हमने ये सीट ड्राइवर सीट इसको आप हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक सही फीचर है। यहाँ पे अपना अगर आप सीट की फैब्रिक है वैसे तो ये, लेकिन इनमें भी आपको डुअल टोन अपना मिलता है जिनमें अगर आप कवर नहीं चढ़वाना चाहते तो इनसे भी मस्त काम चल जाएगा, लगेगा नहीं कि भाई ये बेस वेरिएंट है। तो ऐसा लगता है भाई इसका ओवरऑल इंटीरियर। कार स्टार्ट करता हूँ, ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है तो गियर में भी कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे क्लच छोड़ देंगे तो फिर बंद हो जाएगी। सही है भाई, मतलब पेट्रोल और सबसे रिफाइनमेंट लगी नहीं लगा, स्टार्ट भी है। खैर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है क्रेटा में, आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम डी कट स्टेयरिंग भी मिल जाता है, इस तरीके की आपको ये मिल जाती है, अच्छा मोटा स्टेयरिंग भी मिलता है जो ग्रिप बनाने में मस्त लगता है। यहाँ पे अपना स्टेयरिंग कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में नहीं आते हैं, यहाँ पे नॉर्मल जस्ट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कितनी चल गई गाड़ी और कितना सब कुछ, और अपना जो स्पीडोमीटर वगैरह है। ये पेट्रोल वेरिएंट तो 8000 तक मार्किंग, पहले क्रेटा ई जो था केवल डीजल में अवेलेबल था, लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी ने पेट्रोल में भी अवेलेबल इसको करा दिया गया था, तो पेट्रोल वाला वेरिएंट ही है। 240 तक में मार्किंग है, यहाँ पे अपने को फ्यूल वगैरह पता चलता है, स्टीयरिंग व्हील आपको ये टिल्ट मिल जाता है, ये आपको इस तरीके के एसी वेंट्स मिलते हैं, सिल्वर फिनिश आज भी बरकरार है, ये भी मस्त लगते हैं देखने में। और अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये भी आपको इस तरीके की मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टीरियो आपको हुंडई नहीं देती है, आप बात करें वो बटन वाला भी नहीं देते जो क्या सेल्टोस में अवेलेबल है, तो आपको पूरा निल मिलता है ये, इसी वजह से यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है, और आपको देख भी सकते हैं कितना फीका फीका सही लग रहा है। वरना नॉर्मल हेडलैम्प मिलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ पे अपने को वाइपर मिल जाता है, और वाइपर के कंट्रोल देखो कितने सारे हैं, ये तो है ही, ये अलग अलग लेवल ये है। उसके अलावा यहाँ पे भी अपने को मिलता है, प्लस एक मेरे को इनकी अच्छी चीज़ का लगती है किया है हुंडई की, अपने को जैसे हम लाइट वाइट अपना जलाते हैं या फिर जो भी अपने यहाँ सेटिंग छेड़ते हैं अपने को MID में नजर आता है, वो भी बेस इवेंट में, तो ये चीज़ छोटी छोटी मस्त लगती है। पहले लाइट ऑन कर दोगे, यहाँ से अपना AC वो है, AC कंट्रोल, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, USB चार्जिंग के लिए कोई भी यहाँ पे पोर्ट नहीं दिया गया है। अगर आप कल को स्टीरियो भी लगवाते हो तो आपको यहीं पे वो पोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं। प्लस चार्जिंग जो मेन चीज़ होती है आज के टाइम में वो भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अपना कोई फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, गियर नॉब भी अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं जो टॉप मॉडल में आता है, वरना इसको भी वो मैट कर सकते थे, ये एक सही चीज़ लगी। यहाँ पे अपने कोई लेदर फिनिश मिल रही है, दो कप होल्डर मिल रहे हैं, हैंड ब्रेक मिल रही है, और ये ब्लैक मिलती है, सेल्टोस में आपको सिल्वर मिलती है, आर्मरेस्ट आज भी कार में आ रहा है, और स्टोरेज भी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। अभी ना क्रेटा के बारे में एक बात बताता हूँ भाई, इसका जो यूवी वाला पोर्शन है ना ये बहुत चीप क्वालिटी का है, अगर आप इसमें ये देखो इस तरीके की आवाज़ आती है इसमें से, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, अगर आपका पेड टच होता है ना इससे देखो चलाते वक्त तो हिलता भी है, साथ साथ इसमें से आवाज़ भी आती है चूँ चूँ की, तो ये बहुत चीप प्लास्टिक यूज़ करी गई है जो कि किया में आपको नहीं देखने को मिलता, तो कई ओनर्स शिकायत करते हैं इस बारे में, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। यहाँ पे वो डे नाइट वाला IRV आता है, वो चीज़ नहीं आती है, अपना सनग्लास होल्डर वगैरह आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएंट मिरर नहीं दिया गया, केवल टिकट होल्डर है, और यहाँ पे आपको जरूर से एक मिल जाएगा। अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो नॉर्मल है, कूल्ड अब आपको नहीं मिलेगा, कूल्ड होता यहाँ पे आपको वो एक अलग सी चीज़ दिख जाती। स्पीकर नहीं है, पावर विंडो आपको चारों आज ही मिल रही है, सेंटर लॉकिंग आपको कार में मिल रही है। बाकी चलते हैं पीछे की साइड, पीछे की साइड भी एक इन्होंने जो चीज़ घटाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो रियर डोर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पावर विंडो दी गई, स्पीकर तो अवेलेबल है ही नहीं, अपने को बोट होल्डर एक मिल जाता है, प्लस ये भी डुअल टोन आपको मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैगजीन होल्डर आया करते थे, जो मैगजीन वगैरह आप रखते हैं अपनी कार में, और हमारे यहाँ तक कौन ही मैगजीन रखता है, उनमें बोतल ही घुसा देते हैं और वो फिर तोड़ जाती हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ होती थी ना आपको इन सीट्स में ही मिलती थी वो जो कंपनी से आ रही, लेकिन अब
वैसे तो सीट कवर लोग चढ़वा लेते, लेकिन वो चीज़ जिनको सीट कवर नहीं चढ़वाने होते थे वो उनको यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब भाई वो चीज़ नहीं आ रही है जो यहाँ पे आया करती थी, तो ये भी एक फीचर चुपचाप घटा दिया गया है। ये रेसी वेंट्स आज भी आ रहे हैं, सिल्वर फ्रिंज इनमें बरकरार है, यहाँ पे कोई भी यूएसबी पोर्ट नहीं है भाई। अरे यार चार्जिंग आप यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हैं। अच्छा ये अच्छा खासा बड़ा कर दिया है, लेकिन यहाँ पे यूएसबी पोर्ट हटा दिया, तो आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, बंदा फ़ोन चार्ज करे कैसे एक बात बताओ आप। उस पर 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है उसमें वो बाहर से वो खरीदो, उसमें जो यूएसबी पिन होता है और वो स्लो चार्जर रहता है, अब जो इसमें यूएसबी यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है वो फास्ट चार्जर रहते हैं। और भाई अब यही है, अब देख लो ये स्टेयरिंग व्हील इसका बहुत मस्त लगता है। तो ऐसा लगता है भाई क्रेटा ई का पूरा इंटीरियर यहाँ पे अपने को मिल जाती है एक पीली लाइट, इसके अलावा आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं, पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, यहाँ पे भी आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। अभी फटाफट क्विकली करते हैं इंजन स्पेस के बारे में बात। चलो भाई इंजन स्पेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से हम इसका बोनट खोल सकते हैं। तो ये वाला मॉडल है आपको पेट्रोल डीजल में मिल जाता है, ये है अपना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 डीजल में भी अवेलेबल है, 115 bhp दोनों निकालते हैं, लेकिन टॉर्क का फर्क है, 144 nm ये निकालता है, 250 nm वो निकालता है, और यहाँ पे आपको किया का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये पेट्रोल इंजन जो है माइलेज निकाल देता है करीबन 15-16 की जो कंपनी क्लेम करती है, मतलब मिल जाती है इतनी माइलेज आपको इसमें आराम से अगर आप लाइट इसको चलाते हैं। इंसुलेशन भी यहाँ पे हुंडई प्रोवाइड करती है, ऑलरेडी बहुत साइलेंट इंजन है, बहुत रिफाइंड है, लेकिन फिर भी आपको ये वाली चीज़ मिल जाती है। चलो भाई अब मेन बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो जो पेट्रोल वाला वेरिएंट आप खड़ा देख रहे हैं इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 9,99,000 रुपये, यानी कि इसमें आपको TCS वगैरह नहीं देना पड़ता है, ऑल ओवर इंडिया सेम प्राइस है एक्सशोरूम। तो ये ऑन रोड पड़ जाता है हरियाणा में 11,35 के लगभग। अगर डीजल में आप ये वाला वेरिएंट देख रहे हैं तो इसकी कीमत 10,35,000 रुपये के लगभग, तो 35,000 रुपये का डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल में, लेकिन उसका ऑन रोड प्राइस ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि अब उसमें आपको 1% TCS भी देना पड़ता है, तो उसमें TCS आपको 10,800 के लगभग देना पड़ता है, तो वो आपको पड़ती है 1,170-1,180 के लगभग वो पड़ जाती है। विदाउट एसेसरीज मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, बाकी एसेसरीज तो आजकल हर डीलर जो मैंडेटरी कर ही रहा है क्योंकि गाड़ी इतनी डिमांड में, वेटिंग पीरियड आप मान के चलो 6-7 महीने से पहले आपको गाड़ी नहीं मिल सकती है, जो मैंने आपको वेरिएंट दिखाए चाहे कितने ही फीचर्स को हटा लें, लेकिन आज भी जो उसके ग्राहक हैं वो इसको बड़े प्यार से खरीद रहे हैं और अपना बनाना चाहते हैं क्रेटा को। तो भाई 10,00,000 में आपको ऐसी गाड़ी मिल रही है, वो चीज़ मस्त भी है यार, इतना सारे बेसिक फीचर तो अपना मिल ही रहे हैं, अब एक दो फीचर घट भी जाए तो कस्टमर सोचता है चलो क्या हो गया ले ही लेते हैं। तो ये थी भाई हुंडई क्रेटा का बेस वेरिएंट, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।